दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम दरिया दिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी नौकरी एक नए शहर में लगी थी, तो वो अपने लिए किराए पर रहने के लिए एक घर ढूंढ रहा था। इसी बीच वो कई घर देखता है लेकिन कोई भी घर उसे पसंद नहीं आता। आगे जब वो शहर से थोड़ा दूर एक घर को देखने जा रहा था, तभी उसकी कार के सामने स्केटिंग करते हुए एक लड़की आ जाती है। दरियादिल अचानक से कार का ब्रेक लगाकर उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं कहती और अपना पिछवाड़ा मटकाते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद दरियादिल उस घर की मालकिन मिस फटे गोदाम से मिलता है, जो उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति रहती है, तो तुम्हें यहाँ पर काम करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ऊपर से मेरे पति भी घर से बाहर रहते हैं, तो तुम जब भी चाहो मेरी खुद्दी फाड़ने मेरे पास आ सकते हो। अब दरियादिल को ये दोनों ही ऑफर बहुत पसंद आते हैं और वो इस घर को लेने के लिए तैयार हो जाता है। आगे जब वो घर में अपना सामान शिफ्ट कर रहा था, तभी वहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम चिंकी चौरसिया होता है और वो मिस फटे गोदाम की बेटी होती है। तभी चिंकी के पास उसकी सहेली शालू सीक्रेट आती है, जिसको चिंकी कहती है कि आज ही मेरी माँ ने एक नया किरायेदार रखा है, तो तुम जल्दी से जाकर देख कर आओ कि उसका सामान कितना बड़ा है। अब शालू सीक्रेट भागते हुए दरियादिल के पास आती है, जो कि वहाँ पर कुछ काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो दरियादिल को देखती है, तो उसको देखते ही शालू सीक्रेट की बिल्ली गीली हो जाती है, जिसके बाद वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। फिर वो चिंकी चुसेड़ी के पास जाती है, जो उससे पूछती है कि हाँ फिर कितना बड़ा था उसका। शालू सीक्रेट कहती है कि होगा करीब 8 या 9 इंच का, जिसको सुनते ही चिंकी की भी गुलाबी गीली हो जाती है। आगे हम दरियादिल को देखते हैं, जिसका आज ऑफिस में पहला दिन था और वो पहले ही दिन लेट पहुंचा था। फिर मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात सोन पापड़ी से होती है, जो कि शक्ल से तो साली गोल्ड डिगर लग रही थी। अब क्योंकि दरियादिल पहले ही दिन काम पर लेट आया था, तो उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा करता है और वो सोन पापड़ी को उसके काम पर नजर रखने को कहता है। इसके बाद जब दरियादिल अपनी कार को चमका रहा था, तभी वहाँ पर चिंकी आती है और उससे पूछती है कि तुम मेरी कब लेना चाहोगे। दरियादिल कहता है कि तुम सिर्फ अभी बच्ची हो और मुझे तुम्हारी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन चिंकी को तो उससे अपनी पिंकी पिटवानी ही थी, इसलिए वो उस पर डोरे डालना नहीं छोड़ती। फिर उसी रात जब दरियादिल अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ पर चिंकी पहुँच जाती है, क्योंकि उसकी छोटी सी तितरी चमगादड़ बनने के लिए तड़पी जा रही थी। फिर वो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अब मेरी लेना चाहोगे। अब दरियादिल को ये लड़की काफी अजीब लग रही थी, तो वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम सच में 14 की हो, जिस पर चिंकी कहती है कि नहीं, मैं 15 की होने वाली हूँ। अब दरियादिल उसके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। फिर अगली सुबह जब वो बाथरूम में नंगा नहा रहा था, तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो आवाज लगाता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो भैंड वही पागल लड़की है। वो उसे कहता है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है जो मुंह उठाकर कभी भी यहाँ पर चली आती हो। लेकिन हम सबको पता है कि चिंकी यहाँ पर बार बार क्यों आ रही थी। आगे जब दरियादिल अपने कपड़े बदल रहा होता है, तभी चिंकी चुपके से उसका हथियार देख लेती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद जब वो तैयार होकर अपने काम पर जा रहा था, तभी चिंकी उसे कहती है कि आज रात को मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें वहाँ पर जरूर आना है। दरियादिल कहता है कि वैसे तो मुझे बहुत काम है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगा। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये आर्टिकल वो नहीं था जो उसने कई दिनों की कड़ी मेहनत करके लिखा था। अब ये देखकर उसे लग रहा था कि अगर इसे उसके बॉस ने पढ़ लिया, तो वो उसकी गांड पर लात मारकर उसे ऑफिस से निकाल देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बॉस को ये आर्टिकल बहुत पसंद आता है और वो उसे प्रमोट करके मैनेजर बना देता है। फिर उसी रात दरियादिल तैयार होकर चिंकी की पार्टी में पहुंचता है, जहां पर उसे फटे गोदाम और उसका हस्बैंड झोपड़ पप्पू मिलता है। वहीं पर चिंकी भी होती है, जो कि वहां पर पियानो बजाकर सबका मनोरंजन कर रही थी। इसके बाद जब वो बाहर अकेली खड़ी थी, तभी वहां पर दरियादिल आता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा पियानो बजाया। चिंकी कहती है कि वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे बॉस को वो आर्टिकल कैसा लगा। दरियादिल कहता है कि क्या, वो आर्टिकल तुमने लिखा था, पर तुम तो भी छोटी बच्ची हो। चिंकी कहती है कि अभी तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। लेकिन इस बात पर दरियादिल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लगता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो उसे खुश करने के लिए अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है। वो दोनों एक सुनसान से लाइट हाउस में जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही चिंकी के अंदर फिर से ठरक जागने लगती है और वो दरियादिल को पकड़कर वहीं पर चूसने लग जाती है। अब कुछ देर तो दरियादिल भी इसके मजे लेता है, लेकिन फिर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सब गलत है, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह जब दरियादिल मस्त सुट्टा मारते हुए अपना काम कर रहा था, तभी वो खिड़की से बाहर झांकता है, जहां पर चिंकी आधी नंगी होकर लेटी हुई थी। अब उसका कसा कसाया शरीर देखकर दरियादिल का सरिया गर्म हो जाता है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है। आगे वो अपने मैनेजर बनने की खुशी में घर पर पार्टी रखता है, जहाँ पर उसकी दोस्त सोन पापड़ी भी आई हुई थी, जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। उधर चिंकी जब उन दोनों को साथ में देखती है, तो वो गुस्से में पागल हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दरियादिल उसके अलावा किसी और की फुद्दी फाड़े। आगे जब सोन पापड़ी तंदूरी चिकन बनाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल में जाती है, तभी
तभी वहाँ पर चिंकी भी आ जाती है। फिर वो उसे धमकी देने लगती है कि सुन बे सोन पापड़ी, दरिया दिल सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ मेरी बजाना चाहता है। अगर तू हम दोनों के रास्ते में आई तो मैं ये सारी लकड़ियाँ तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगी। फिर पार्टी के बाद जब दरिया दिल और सोन पापड़ी घर पर होते हैं तो सोन पापड़ी उसे कहती है कि तुम्हारी दोस्त चिंकी तो बहुत ही अजीब है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। लेकिन दरिया दिल इस बात को हंसकर टाल देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक नादान बच्ची है। आगे जब दरिया दिल अपना काम कर रहा था तभी उसे चिंकी फोन करती है और कहती है कि क्या आज तुम मेरी लेना चाहोगे। लेकिन दरिया दिल उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं बिजी हूँ। फिर काम करके वो एक अपने बचपन की फोटो को ढूंढने लगता है जो कि कल तक तो उसके डेस्क पर ही थी, लेकिन आज वो गायब है। उसे लगता है कि शायद वो फोटो चिंकी ने चुराई होगी, इसलिए वो चुपके से उसके घर में घुस जाता है ताकि वो उस फोटो को वापस ला सके। फिर जब वो उसके कमरे में जाता है तो उसे उसका कमरा काफी अजीब लगता है। आगे जब वो उसका सामान देख रहा था तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है जहाँ पर चिंकी नहाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे देखकर दरिया दिल उसकी कबड़ में छुप जाता है, लेकिन तभी चिंकी भी अपनी चड्डी बनियान लेने वहाँ पर आ जाती है। अब वहाँ पर आते ही चिंकी को एहसास हो जाता है कि दरिया दिल यहीं पर है, इसीलिए वो जानबूझकर उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसे अपने छोटे नींबू और गुलाबी गुफा दिखाने लगती है। अब इतना शानदार नजारा देखकर दरिया दिल का सरिया फिर से गर्म हो जाता है, लेकिन वो फिर से जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल करता है। इसके बाद जब वो वहाँ से वापस जा रहा था तभी उसे वहाँ पर चिंकी का बाप झोपड़ पप्पू मिलता है जो कि शॉपिंग करके घर वापस आया था। अब उसे वहाँ पर देखकर दरिया दिल की फट जाती है और तभी झोपड़ पप्पू उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर दरिया दिल कहता है कि मैं तो बस चिंकी को उसकी बुक वापस करने आया था। अब वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी झोपड़ पप्पू उसके हाथ में सामान दे देता है और उसे अपने साथ ऊपर बेसमेंट में आने को कहता है। इसके बाद जब वो दोनों ऊपर पहुँचते हैं तभी झोपड़ पप्पू उसे एक बड़ा सा खिलौना दिखाता है जिसको वो चिंकी के लिए तैयार कर रहा था। आगे जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर चिंकी आ जाती है। अब चिंकी को देखकर उसका बाप उससे पूछता है कि तुमने दरिया दिल को कौन सी बुक दी थी। अब ये सुनकर दरिया दिल की फिर से फट जाती है, लेकिन तभी चिंकी कहती है कि हाँ मैंने तो उसे मियाँ की मजदूरियों वाली कहानी की बुक दी थी। अब ये सुनकर दरिया दिल को थोड़ा सुकून मिलता है और वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो चिंकी के पास वापस आता है और उसे उसके बाप के सामने बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी चिंकी उसे कहती है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरी लेना चाहते हो, अब जल्दी बताओ कब लोगे मेरी। लेकिन ये सुनकर दरिया दिल उस पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि देखो अभी मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत छोटी हो और हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अभी सुनकर चिंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उस समय उसे कुछ नहीं कहती। आगे जब दरिया दिल अपनी बंदी सोन पापड़ी को अपनी नई कार दिखाने लाता है तो कार की हालत देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर लिख दिया था कि मुंह में ले ले। अब ये देखकर दरिया दिल समझ जाता है कि ये काम उसी छिनाल चिंकी का है, इसलिए वो उसकी शिकायत करने के लिए उसके माँ बाप के पास पहुँच जाता है। लेकिन जब उसका बाप उसे पूछता है कि क्या तुमने दरिया दिल की गाड़ी खराब करी है तो चिंकी उसे साफ मना कर देती है, पर दरिया दिल को पक्का विश्वास था कि ये काम चिंकी का ही है। आगे जब वो अपनी कार को ठीक कर रहा था तभी उसके पास चिंकी की बेस्ट फ्रेंड शालू सीक्रेट आती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, शाम को 7 बजे मुझे काली पहाड़ी के पीछे मिलना, जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम चिंकी और शालू सीक्रेट को देखते हैं जो कि अपने फार्म हाउस पर हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि शालू सीक्रेट जिस घोड़े पर बैठी थी उसकी बेल्ट अचानक टूट जाती है और वो सीधा आकर नीचे गिरती है जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। अब ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि चिंकी का ही था। फिर उसी शाम जब दरिया दिल काली पहाड़ी पर शालू सीक्रेट का वेट कर रहा था तभी वहाँ पर चिंकी आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो। दरिया दिल कहता है कि किसी का नहीं। चिंकी कहती है कि तुम्हें एक बार हॉस्पिटल जाकर देखना चाहिए, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो वहीं पर है, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह दरिया दिल के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहाँ पर उसे अपनी एक प्रेजेंटेशन सबमिट करनी थी जिस पर वो पिछले 3 हफ्तों से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर पर लगाता है तो वो देखता है कि उसमें तो कोई फाइल नहीं होती। अब ये देखकर उसके दिमाग का भूसा हो जाता है क्योंकि उसने जो 3 हफ्ते मेहनत करके जिस काम को किया था वो सारा काम उसकी ड्राइव में से गायब हो चुका था। अब ये देखकर वो सोन पापड़ी को फोन लगाता है और उसे कहता है कि ये सब चिंकी ने ही किया है, उसने मेरा सारा काम मेरी ड्राइव के साथ साथ मेरे कंप्यूटर से भी डिलीट कर दिया है। तभी बातों के दौरान उसकी नजर एक बेसमेंट पर पड़ती है जो कि उसी के घर के नीचे बना हुआ था। फिर जब वो उस बेसमेंट में जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि चिंकी तो एक नंबर की साइको है और वो उसका सारा सामान इकट्ठा कर उस पर काला जादू कर रही थी ताकि वो दरिया दिल को अपना बना सके। अब ये देखकर दरिया दिल का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले तो वो उस बेसमेंट को बंद कर देता है और दिन रात एक करके वापस अपना सारा काम पूरा करने लगता है। इसी दौरान चिंकी भी उसे कई बार कॉल करती है लेकिन वो उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता। इसके अलावा वो अपने घर के लॉक्स को भी चेंज करवा देता है ताकि चिंकी पीछे से उसके घर में घुस ना पाए। अब अपना सारा काम कंप्लीट करके वो एक दूसरे घर की तलाश में निकल जाता है क्योंकि अब वो यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। फिर वो एक बुढ़िया से मिलता है और उसके घर को पसंद भी कर लेता है जिसमें वो अगले ही हफ्ते शिफ्ट होने वाला था।
इसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आता है तो उसे वहाँ पर सोन पापड़ी मिलती है जो उसके लिए दारू लेकर आई थी। अब ये दोनों दारू पीते हैं और चिल करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान इन दोनों के अंदर ही ठरक जाग जाती है तो ये दोनों वहीं पर ही दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ हम चिंकी को देखते हैं जो कि दरिया दिल की यादों में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। फिर अगली सुबह जब सोन पापड़ी वापस अपने घर पर आती है तभी वहाँ पर चुपके से चिंकी भी आ जाती है और बाहर से उसके घर के गेट को बंद कर देती है, जिसके बाद वो एक मधुमक्खियों का छत्ता लेती है और उसे उसके घर के अंदर छोड़ देती है। तभी वो मधुमक्खियां सीधा जाकर सोन पापड़ी पर हमला कर देती है। सोन पापड़ी भी वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो निकल नहीं पाती। इसके बाद हम चिंकी को देखते हैं जिसकी आज घोड़ों की रेस थी। उसे लग रहा था कि उसे देखने के लिए दरिया दिल भी आएगा, लेकिन वो वहां पर नहीं आता। अब ये देखकर चिंकी गुस्सा हो जाती है और सीधा दरिया दिल के पास उसके ऑफिस पहुंच जाती है। वो उसे कहती है कि जाने मन तुम मेरी रेस देखने क्यों नहीं आए, लेकिन ये सुनते ही दरिया दिल उसे लेकर बाहर आ जाता है और उसे धमकी देता है कि मेरे से दूर रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंकी पागल हो जाती है और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसको सुनकर वहां पर सभी को लगता है कि शायद दरिया दिल उसकी छोटी गुफा को बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। आगे जब अपना काम खत्म करके दरिया दिल अपने नए वाले घर में जाता है तो वहां पर उसकी मकान मालिक उसे घर देने से मना कर देती है, क्योंकि चिंकी ने पीछे से आकर उसे ये बोला था कि दरिया दिल एक ड्रग डीलर है। अब ये देखकर दरिया दिल का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पुलिस आई होती है। अब दरिया दिल को देखते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि चिंकी ने उस पर अपने साथ जबरदस्ती मजदूरी करने का इल्जाम लगाया था। तभी वहाँ पर चिंकी भी आ जाती है जिसने खुद की ऐसी हालत कर ली थी कि उसको देखकर सब उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। आगे दरिया दिल को इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने चिंकी के साथ ये सब क्यों किया, जिस पर दरिया दिल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो लड़की झूठ बोल रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दरिया दिल को बेल मिल जाती है क्योंकि उसके बॉस को उस पर भरोसा था और उसी ने ही उसकी बेल करवाई थी। लेकिन जब तक उस पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित नहीं होता तब तक दरिया दिल को भी काम से निकाल दिया जाता है। आगे जब दरिया दिल अपना सामान पैक करके वहां से जा रहा था तभी उसके पास शालू सीक्रेट आती है जो उसे बताती है कि ये सब चिंकी ने ही किया है क्योंकि वो एक साइको है और अगर वो किसी के पीछे पड़ जाती है तो इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ती। लेकिन दरिया दिल उसे कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ, जिसके बाद वो शालू सीक्रेट को भी वहां से भगा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे शालू सीक्रेट के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि चिंकी के घर से आ रही थी। वो भागते हुए चिंकी के घर पर जाता है जहां पर वो उसके कमरे को देखता है कि चिंकी फिर से दरिया दिल के ऊपर अपना काला जादू कर रही है। अब ये देखकर दरिया दिल शॉक्ड हो जाता है, पर तभी वहां पर चिंकी आती है और उसे कहती है कि मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, लेना चाहोगे मेरी, लेकिन दरिया दिल उसे मना कर देता है। अब ये सुनते ही चिंकी पागल हो जाती है और एक डंडे से उस पर हमला करने लगती है। दरिया दिल भी जैसे तैसे बचते बचाते ऊपर वाले स्टोर रूम में पहुंचता है और वो वहां पर उसी खिलौने को देखता है जिस पर चिंकी ने शालू सिगरेट को बांध रखा था। दरिया दिल उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर चिंकी आ जाती है और फिर से उस पर हमला करने लगती है, लेकिन दरिया दिल उससे बचते हुए उसे ही दबोच लेता है और वहीं पर उसे पेलने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहां पर चिंकी का बाप भी आ जाता है और वो दरिया दिल को पकड़कर उसे मारना शुरू कर देता है, पर इसी दौरान चिंकी पीछे से अपने बाप पर हमला कर देती है और उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो दरिया दिल को मारने ही वाली थी कि तभी दरिया दिल उसके मुंह पर एक घुसंड पिलाता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। अब सीन यहां से शिफ्ट होता है जहां पर हम चिंकी को देखते हैं जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपने ही डॉक्टर के प्यार में फिर से पागल हो जाती है। उधर दूसरी तरफ हम दरिया दिल को देखते हैं जो कि सोन पापड़ी के साथ एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है और वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।